यहाँ भी टाटा, वहाँ भी टाटा, जिधर देखो टाटा ही टाटा। चाय में टाटा, नमक में टाटा, गाड़ी में भी टाटा। आखिर टाटा ग्रुप कौन कौन सी सेक्टर में कितनी कंपनियां होल्ड करता है, कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करता है, क्या सबके बारे में आपको पता है या सिर्फ कुछ दो चार कंपनियां जो पॉपुलर है उसके बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो अंत तक देखना। मैं आपको टाटा ग्रुप की मेजर मेजर सेक्टर में कौन सी मेजर कंपनियां जो वर्क कर रही है आदि आपको पता होगी, आदि आपके लिए सरप्राइज होगी। टाटा ग्रुप कितना बड़ा है उसका ओवरव्यू आप सिर्फ इतना समझ लो कि 100 से ज्यादा ऑपरेटिंग कंपनी है जिसमें से 29 लिस्टेड है। टोटल 100 से ज्यादा देशों में और 6 महाद्वीपों में इनके कारोबार हैं और 150 से ज्यादा देशों में इनके प्रोडक्ट और सर्विस काम में लिए जाते हैं। भारत के टोटल टैक्स का 2.25% अकेला टाटा ग्रुप देता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इतने महान ग्रुप के और इतने महान व्यक्ति के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास है। मैंने टाटा पे एक सीरीज बनाई है 10 वीडियो की, एक एक कंपनी के बारे में डिटेल में बात की है, पर इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस किस सेक्टर में टाटा ग्रुप की कौन सी मेजर कंपनीज है। कोई बड़ा भारी ज्ञान नहीं, आम आदमी के लिए आम भाषा में बिजनेस और फाइनेंस की दुनिया से लाई हुई इंफॉर्मेशन जो एंटरटेनमेंट के साथ दी जाती है। सो आर यू रेडी फॉर द एंटरटेनमेंट? करे चालू। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस सेक्टर से जिस सेक्टर से टाटा ग्रुप की शुरुआत हुई थी, और वो सेक्टर है मेटल सेक्टर। सबसे पहले टाटा ग्रुप की जो पहली कंपनी गई थी मेटल सेक्टर में वो थी टाटा स्टील, टिस्को हुआ करती थी, बाद में जाके टाटा स्टील हुई है। और अब उस सेक्टर में इनके पास और भी अलग कंपनीज हैं जैसे टाटा स्पॉन्ज, टाटा ब्लू स्कोप स्टील, टाटा मेटालिंक और टाटा टिन प्लेट। अब सेकंड उस सेक्टर की बात करते हैं, इंफ्रा सेक्टर की, जिस सेक्टर में इनकी दूसरी कंपनी थी टाटा पावर। तो इस सेक्टर की प्रमुख कंपनियां हैं टाटा पावर, टाटा हाउसिंग का काम भी करते हैं ये, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर करके एक इनकी फर्म है जो कि कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके बाद जो टाटा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हमको आसपास ज्यादा दिखती है, वो है इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिस ग्रुप में एक कंपनी इनकी मुख्य कंपनी टाटा मोटर्स है। उसके बाद जो इन्होंने कंपनी खरीदी जो कि भारत की आन मान शान है, लैंड रोवर टाटा का है, जगुआर टाटा का है, मार्को पोलो एक कंपनी खरीदी थी इन्होंने जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं ट्रक की, एक टाटा डेवू करके एक ब्रांड है जिसमें एक कंपनी थी साउथ कोरिया की डेवू जिसके साथ इन्होंने किया था जॉइंट वेंचर और वहां पे अभी ये ट्रक की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर आता है कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर में भाई साहब टाटा जी का बोलबाला है हर काम में। नमक की शुरुआत की थी, नमक में लीडर है, चाय की शुरुआत की थी, चाय में लीडर है। चाय में इनका ब्रांड टाटा टी तो सबको पता ही है, टेटली करके एक ब्रांड इन्होंने खरीदा था, उस समय का सबसे बड़ा एक्विजिशन था, वो भी इनका ब्रांड है। उसके अलावा हिमालयास करके ब्रांड है वो भी टाटा के अंदर ही आता है, और अभी बिस्लेरी खरीदने की बातें चल रही है, मे बी वो एक बार फाइनलाइज हो जाएगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। इससे पहले हम डिटेल में बात करें, उससे पहले कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर टाटा का आपने इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बता दिया, हमारा एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कर सकते हैं, हम हमारे पैसे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अगर आप ये करना चाहते हैं तो बताता हूं आपके काम की बात। अभी शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग नया नया इन्वेस्ट करने लगे हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन लोगों को लगता है शेयर मार्केट एक जादू है, भैया लक का खेल है, किस्मत का खेल है। लक किस्मत नहीं है भाई साहब, आपका नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज है। आपको शेयर को कितना अच्छा एनालिसिस करना आता है, कितना पढ़ना आता है, आपकी प्रेडिक्शन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। पर बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मेरे पिताजी ने कहा, दोस्त ने कहा, भाई ने कहा, पड़ोसी ने कहा, इसने कहा, उसने कहा, उस चक्कर में लग जाते हैं, क्योंकि कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिंग करेंगे जी, हमको कोई एक्सपर्ट एडवाइजर चाहिए नहीं। भाई साहब आप जिनकी एडवाइस ले रहे हो जनरल एडवाइस दे रहे हैं, भेड़ चाल में आप चल रहे हो, क्यों आप जनरल एडवाइस नहीं लेते? आपको एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए जो समझे कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है कम है, और उस हिसाब से आपको सजेस्ट करे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एक सवाल आता है सर जी कहां मिलेगा ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर? सर फाइनेंशियल एडवाइजर मिलेगा और फ्री में भी मिलेगा, और किसके थ्रू मिलेगा? मोतीलाल ओसवाल के थ्रू, जो कि 30 साल पुरानी कंपनी है और 50 लाख से ज्यादा कस्टमर को ऑलरेडी सर्व कर रही है। ये आजकल एक फैसिलिटी दे रहे हैं जिसमें आपको एक फ्री एडवाइजर मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके सवाल समझेगा, रिस्क एपेटाइट समझेगा और उसके हिसाब से आपको सजेशन देगा। कोई भी क्वेरी है ट्रेडिंग से, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, उसको सॉल्व करेगा, और ना सिर्फ सॉल्व करेगा, आपका इन्वेस्ट कराने में मदद भी करेगा। अब आता है सर उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए भैया डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो कौन खुलवाएगा? वो भी मोतीलाल ओसवाल खुलवाएगा। सर उसके कितने चार्ज लगेंगे? सर पहली बार खुलेगा फ्री डीमैट अकाउंट खुलेगा, एनुअल चार्जेस पहले साल कुछ नहीं लगने वाले हैं, उसके बाद जो भी चार्जेस लगेंगे और आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे फिक्स है ₹20 पर लॉट आपका चार्ज लगेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और बैंक डिटेल चाहिए, और खुल गया आपका डीमैट अकाउंट। और आप मोतीलाल ओसवाल जी का अगर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको रियल टाइम पे नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं आपको मिलती है वेलकम बास्केट जिसमें बहुत सारे AI टूल हैं और ब्रोकरेज रिवर्सर की सुविधा भी है, और आप उनके मोबाइल ऐप की सहायता से आसानी से ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पे
जाके आप क्लिक करके अपना नाम नंबर सिटी डाल सकते हैं और डीमैट खोलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अब जो टाटा ने धमाकेदार एंट्री पिछले कुछ सालों में की है वो की है रिटेल सेक्टर में, और वो ब्रांड एक्वायर किए हैं जो बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया। तो इंडिया में जो स्टारबक्स आया वो टाटा के साथ पार्टनरशिप में है। उसके अलावा एसी आपको चाहिए, टाटा जी कहते कोई बात नहीं साहब उल्टा से हमारे पास, घड़ी पहनोगे तो भाई साहब सोनाटा ले लो, टाइटन ले लो, फास्ट ट्रैक ले लो, सब टाटा के हैं। उसके अलावा ज्वेलरी चाहिए तो तनिष्क जाओ भाई साहब, जोया ब्रांड करो साहब, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए चले जाओ क्रोमा में, सारी चीजें मिलेगी। आप कपड़े लेना चाह रहे हो क्या चले जाओ वेस्ट साइड में, वो भी टाटा का है। नेक्स्ट पॉपुलर सेगमेंट आता है भाई साहब ट्रेवल एंड होटल। ट्रेवल में आप बोलोगे हाँ सर एयर इंडिया इन्होंने अभी भी ली ना, एयर इंडिया ने इन्होंने ली है वो तो है इनकी भाई साहब, एयर एशिया भी इनकी, आप उसकी बात करते हो एयर विस्तारा की वो भी इनकी, ये तीन एयरलाइन कंपनियां हैं टाटा ग्रुप के अंडर। उसके अलावा होटल्स की बात करें तो ताज को कौन नहीं पहचानता। लोअर सेगमेंट में जिंजर भी लॉन्च किया है, तो लोअर में जिंजर, ऊपर में ताज, तो बीच में क्या विवांता भी हमारा है। और स्टार्ट करते हैं टेलीकॉम सेक्टर में टाटा की कौन कौन सी कंपनियां। एक है टाटा कम्युनिकेशन जो डोकोमो के साथ इन्होंने वर्किंग की थी, एक है टाटा टेली सर्विसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पॉपुलर है टाटा स्काई। उसके बाद आता है वो सेक्टर, उस सेक्टर की वो कंपनी जिस कंपनी ने टाटा ग्रुप का 70% प्रॉफिट अकेले देती है, वो सेक्टर है आईटी और वो कंपनी का नाम है TCS, पार्ट ऑफ योर स्टोरी। और इस आईटी सेक्टर में टीसीएस के अलावा टाटा एलेक्साई और टाटा क्लासेज, ये दो कंपनियां और है जो कि टीसीएस के बराबर तो नहीं पर धीरे धीरे अपना कद बढ़ाती जा रही है। अब अलग अलग सेक्टर में एक एक कंपनी की बात करें, अगर तुम केमिकल की बात करते हो तो भैया टाटा केमिकल को कौन भूल सकता है, दरबारी सेठ ने स्टार्ट की थी और उस कंपनी को बुलंदी पे पहुंचाया था और इतने इसके गांव के क्षेत्र में या किसानों के क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है इन्होंने। हेल्थ की बात करोगे तो टाटा हेल्थ है, इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन है, सर्विस की अगर अपन बात करने लग गए तो भैया टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी में, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, टाटा कैपिटल आपको फाइनेंशियल सर्विस देने में, और फाइनली अगर जमीन की सारी चीजें पूरी हो गई हो तो आकाश में जाने के लिए भी टाटा की जो एडवांस सिस्टम है वो एरोस्पेस सेक्टर में भी वर्क कर रही है। तो भाई साहब चाहे मेटल हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे रिटेल हो, चाहे सर्विस हो, चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो, सब में धंधा करेगा रे तेरा टाटा। इसीलिए टाटा ग्रुप अत्र तत्र सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, जगह जगह देखोगे ऐसे कोई सेक्टर नहीं जहां पर टाटा ग्रुप ने कंपनी नहीं खोली, और ना सिर्फ कंपनी खोली उस सेक्टर में नंबर वन बन के भी दिखाया, और जिन सेक्टर में नंबर वन नहीं है उसमें बनने का प्रयास कर रहे हैं। टाटा ग्रुप में अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा और गहराई में जाना चाहते हो तो टाटा ग्रुप में मैंने 10 एपिसोड की सीरीज बनाई है, मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको एक एक कंपनी के बारे में डिटेल से विस्तार में कंपनी किसने बनाई, क्यों बनाई, कैसे खड़ी हुई और उसमें मैनेजमेंट लेसन क्या है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा टाटा के बारे में। टाटा मेरा फेवरेट टॉपिक है, इनके बारे में वीडियो तो आते ही रहेंगे, और कोई सवाल हो तो चैट बॉक्स में जरूर पूछना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।